नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार और हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सभी के लोगों के लिए लेके आए हैं वीडियो डबल लाइटिंग सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे डबल लाइटिंग सिस्टम हम लोग कैसे प्ले करते हैं। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों को जो सामान चाहिए वो हमारे पास है, एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है। आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसे ग्लो करती है। और मेरे पास इस सिस्टम को प्ले करने के लिए एक रिले है, एंड इसके लिए एक हम लोगों को एम्पलीफायर चाहिए, मोनोब्लॉक। ये हमारा मोनोब्लॉक एम्पलीफायर है, चार ट्रांजिस्टर वाला। सो आइए आज का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इसकी सबसे पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं पहले इसके ऊपर शोल्डर करके वायरिंग कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी वायर क्या काम कर रही है। सो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो कि वायरिंग इसके अंदर हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी वायर क्या काम कर रही है, और रिले का नाम भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो पॉज करके इस रिले को नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है जी। और अब बता देते हैं इसका कौन सा पॉइंट क्या काम कर रहा है। जो ये रेड कलर की वायर है, ये 12 वोल्ट की है मेन। जो ये जो है, ये सब वूफर की पॉजिटिव वायर है और ये सब वूफर की नेगेटिव वायर है मोनो एम्पलीफायर के अंदर, जो दो पॉइंट्स लगे होते हैं। जो ये वायर है, ये प्राइमरी वायर है, मतलब कि जब बेस बजती है तब जो करंट है वो इस वायर के अंदर आएगा, ये वायर के अंदर नहीं आएगा। तो इस वायर के साथ आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो वर्क करेगा। और जो ये वायर है ग्रीन, ये आपका तब इसमें करंट रहेगा तब बेस नहीं बज रही है, जब गाना चल रहा है सिर्फ, ठीक है। और जो लाइट का अर्थ है वो आप लोगों को डायरेक्ट बॉडी में दे देना है, या फिर कहीं पर भी जो अर्थिंग की वायर है वहाँ पर लग जाता है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब है या इसमें कुछ कमी है। तो जैसे कि आप लोग आगे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर जो कमियाँ हैं वो हम लोग कैसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखते रहिए। सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने एक जाली के अंदर 12 इंच की जाली है, इसके अंदर एक लाल और एक ब्लू कलर की लाइट लगा ली है, लाल और नीली लाइट। और जो रिले है उसके कनेक्शन भी मैंने कर दिए, आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। जो रेड वायर है वो मैंने सीधी 12 वोल्ट के अंदर कनेक्ट की है, और जो ब्लू वायर है ये आप लोग देख सकते हो, ये एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल में, और जो ब्लैक वायर है वो एम्पलीफायर के सबवूफर के नेगेटिव टर्मिनल में। इससे अलावा कोई वायरिंग मैंने एक्सटेंड नहीं की है। ये हमारी प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी वायर है। तो हम लोग अब इससे इस सब स्पीकर के ऊपर रखेंगे और आप लोगों को लाइटिंग ग्लो करके दिखाएंगे। ये बेसिकली सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये मतलब कि डबल लाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके अंदर पहले आप लोगों को चलाकर दिखाऊंगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके अंदर कुछ और लगेगा सामान, जिसकी वजह से जो डबल लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो वो अब तक शायद किसी ने बताया नहीं होगा यूट्यूब पे, बट ये फर्स्ट टाइम है, मैं रिवील करूँगा। तो वीडियो देखते रहिए। अभी मैं इसके ऊपर रख के वायरिंग कर देता हूँ, लाइटिंग को और अर्थ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये अर्थ मैंने यहाँ से तार लगाई है, और ये सीधी वायर गई है लाइट के नेगेटिव पॉइंट पर, और एक लाइट मैंने प्राइमरी में लगा दी, एक सेकेंडरी में लगा दी, दोनों लाइटिंग लग चुकी है, रिले लग चुकी है, और ये मैंने बैटरी से कनेक्शंस भी कर दिए। इसे मैं प्ले करूँगा, ये NCS म्यूज़िक की पेन ड्राइव है, इसके अंदर 7 सॉन्ग्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सिस्टम वर्क करता है या नहीं करता है, जो भी रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब कि 90% काम करेगा, और ये कर दिया स्टार्ट। सो अभी सॉन्ग कोई भी प्ले नहीं हो रहा, तो रेड लाइट ग्लो कर रही है। तो हमें चाहिए कि जब मतलब कि बेस चले तो रेड लाइट बंद हो जाए और ब्लू लाइट ग्लो करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए मांग रहा है, हम लोग इसके अंदर एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर देंगे, और ये गई पेन ड्राइव। अब हम इसकी बेस फुल कर देंगे और स्पीकर 0, और उसके बाद सिस्टम को प्ले करेंगे। और ये देखिए, डबल लाइटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मतलब बेस चल रही है तो मतलब कि लाइट चेंज हो रही है, बट ये प्रॉपर नहीं हो रही मेरे भाई। आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर शेड आ रहा है, ये आप लोगों को दिखा भी देता हूँ शेड कैसे आ रहा है। ये जो लाइटिंग है वो देखिए, दोनों लाइट्स चल रही हैं, जब गाना बंद होगा तो ब्लू तो अच्छी तरह से बंद हो रही है, बट जो रेड लाइट है वो अच्छे से बंद नहीं हो पा रही। तो उसका रीज़न है मेरे भाई कि ये जो रिले है ये इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ होती है, कट के लिए यूज़ होती है, प्रॉपर कट नहीं कर रही है इसे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर कुछ लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो आपको क्या लगाना है और कहाँ लगाना है, जिससे ये प्रॉपर लाइटिंग वर्क काम करे। काम तो ये भी कर रहा है बट अच्छे से नहीं कर रहा,
तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस है मेरे भाई, ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को लगाना है आपने जो लाइट अच्छे से बंद नहीं हो पा रही है। ये लाइट काम क्या, ये रेजिस्टेंस काम क्या करेगी कि जो वोल्टेज अभी भी उसके अंदर जो थोड़े बहुत वोल्टेज जा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत ही वो ग्लो कर रही है, उसे ग्लो करना है, ये बंद कर देगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं उसमें, रिले में दिखाता हूँ कहाँ पर लगेगी कैसे लगेगी, और उसके बाद ये कितना कामयाब होता है एक्सपेरिमेंट वो दिखाते हैं। ये सबसे सस्ता डबल लाइटिंग सिस्टम है, तो भाई इसे आप देखते रहिए आगे हम क्या करते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो सेकेंडरी वायर थी ना, मतलब कि जब बेस बजने पर जो, मतलब कि जो बेस बजने पर एक लाइट बंद होनी चाहिए थी, तो उस लाइटिंग के अंदर मैंने ये ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड की ये मोटी रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा दी है, और इसे मतलब लंबा ही रखा है मैंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी रेजिस्टेंस वेस्ट हो जाती। सो अब देखते हैं क्या कुछ करता है ये काम। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें करंट आ गया, फ्यूज़ हो, फ्यूज़ ने सिग्नल दे दिया है, और यहाँ पर आप देखिए अब ग्लो कर रही है। अब जो उसके कलर्स हैं वो नहीं आ रहे, तो मैं लाइट बंद करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये काम कर रही है, ठीक है। और अब ये मतलब कि कलर्स को जो है अच्छे से चेंज कर पा रही है, रेड और ब्लू कलर जो है वो अच्छे से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्लू के अंदर है वो रेड का शेड आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी भी वो लाइट ग्लो नहीं कर रही, वो लाइट अभी भी ग्लो कर रही है, बट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब कि इतनी ज़्यादा पावर के साथ ग्लो नहीं कर रही कि मतलब सब बूफर्स के अंदर शो हो। ये तो कपड़ा ऐसा है, अगर आप इसे ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वाइट कलर के सब बूफर्स पर यूज़ कीजिए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई। सो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भाई रिले कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। 20-25-30 रुपए की RU की रिले मिल जाती है, 5-10 रुपए की रेजिस्टेंस है, एम्पलीफायर सबके पास है, अपना अपने एम्पलीफायर के अंदर किसी का रिले लगी है किसी की नहीं लगी है, तो भाई अपनी रिले के अंदर आप लोग ये कनेक्शन अपने आप डबल लाइटिंग का सिस्टम अपने सबवूफर्स में कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ हैंडमेड एम्पलीफायर्स के लिए है, इसे ब्रांडेड एम्पलीफायर्स के ऊपर इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी मत करें, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि ब्रांडेड एम्पलीफायर्स की पावर अलग तरह से सेट करी जाती है IC लगाकर, उसके लिए इसके अंदर और सामान लगता है, वो वीडियो भी मैं बनाऊँगा किसी और दिन बनाऊँगा। उसके लिए आप लोगों को जो वोल्टेज हैं वो थोड़े कंट्रोल में इस रिले तक सेंड करने होते हैं, वरना आपके एम्पलीफायर के अंदर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा और सामान लगता है वो। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि सस्ते कीमत के अंदर डबल लाइटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 50 रुपये के अंदर आपका बन जाता है। 50 रुपये के अंदर आप अपने ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम के अंदर डबल लाइटिंग सिस्टम कर सकते हो। इसके ऊपर आप जितना मर्जी लोड डाल लीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता मेरे भाई। हम लोग तो इसके ऊपर जो नियॉन लाइटिंग देखी होगी आपने, प्लास्टिक की लाइट होती है जो साइड से ग्लो करती है, वो भी चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे भाई हम लोगों को। बाकी ये है कि रिले की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है। रिले ऑरेंज कलर की है, एक अलग नंबर है, जो हम लोग अपने खुद के सिस्टम्स में देते हैं वो एक अलग नंबर की रिले है, वो इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है। उसके अंदर तो रेजिस्टेंस ना भी लगाएं तो भी चल जाता है काफ़ी हद तक काम, रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसमें भी, बट ये है कि वो हम नहीं दिखा सकते, बट ये है कि ये भी उससे कम नहीं है। अगर वो 100% है तो ये 99% तो ये भी है, बस ये बोल सकते हैं भाई। और उम्मीद है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।